फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल और आपके YouTube चैनल डॉक्टर पीजन केयर में। और मैं आ गया हूँ हैदरपुर आपके लिए एक नया शौक लेके, नए लॉफ्ट में। और भाई, ये जो आपका प्यार मिल रहा है ना, और जो फॉलोअर्स हैं मेरे, दिल से तहे दिल से उनका शुक्रिया भी। और भाई कैसे बताऊँ, मतलब मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देते हो और मेरी वीडियो को फॉलो करते हो। और ये जो ये आसपास का लोकेशन है, बहुत ही, मैं इस एरिया की सबसे ऊंची छत पे हूँ। और ये मेरे मित्र हैं सचिन भाई और ये हमारे नोनू भाई। तो भाई, इन दोनों भाइयों का शौक आज जो देखने को मिलेगा ना, गज़ब का शौक कर रखा है और बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो आप यकीन करना, जो आज मैं आपको जोड़े दिखाऊंगा, रूह खुश हो जाएगी आपकी। तो चलते हैं इनके जोड़े देखने के लिए और बैठ जोड़े देखते देखते इनसे इनकी हिस्ट्री पूछेंगे, क्या क्या है इन्होंने अब तक और क्या शौक को लेकर कहाँ तक सोचते हैं, सब इनसे जानेंगे धीरे धीरे। तो आइए शौक करते हैं इनके जोड़ों का। तो भाई स्टार्ट कर दिया है पहला ही जोड़ा, ख़तरनाक कल्सरों का शौक कर लो भाई। और ये हमारे नोनू भाई है, भाई का शौक है ये कबूतर, देख लो आप नोनू भाई एक बार। हाँ, ये देख लो पूरा फ्रंट सामने से, ये पूरी बॉडी लैंग्वेज। और आप दिखाता हूँ पहले नर का शौक कराते हैं। तो भाई स्टार्ट कर दिया है मैंने ये आँखों का शौक कराना है आपको। बस कोई बात नहीं, वो हो जाएगी। और मैं देख भाई, ये देख लो उड़ने वाली आँखें, जो इसमें लेयर है वो ग्रीन कलर की है। और टांट भी देख सकते हो आप, क्या खूबसूरत टांट है इसकी। तो भाई ये हमारे नोनू भाई की, जो नोनू भाई का जो हमारा कलेक्शन है, ये देख लो सामने से खोखार फेस कट का। और दिखाते हैं इसकी मादे, ये देख लो भाई पीली डोरों में क्लियर दिख रही है पलके यार इस आँखों में। और सिंदूरी आँखें, ये देखो भाई आज मज़ा आ जाएगा। जो भाई इस व्यूज़ में आएगा, जो इसको देखेगा, उसको मज़ा ही आ जाएगा इस कलर को देखने में। सचिन भाई, इस जोड़े का क्या रिजल्ट है अपनी छत पर? भाई जोड़े का आर पार का रिजल्ट है हमारी छत पे, और हमने इसका बच्चा उड़ाया हुआ है। बच्चा जहाँ से उड़ता है वहीं उतरता है, और मई में इसका बच्चा शाम को 6-6 बजे उतरा हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब जोड़े की क्वालिटी तो खैर हमारी जो भी व्यूअर्स देखेगा बता ही देंगे। ये नर और मादिन ना भाई करूर से आए हुए हैं, चेन्नई से आगे करूर एक जगह पड़ती है, वहाँ से आए हुए हैं। अन्ना एक है हमारे जानकार भाई, उनके घर से कबूतर आए, उनके नस्लदार कबूतर है भाई ये। तो आप इस छत पे दोनों भाई मिलके जो मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट ये पूरा पूरा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो चलो नेक्स्ट फेयर पे आते हैं भाई। ये देख लिया आपने, बहुत ही दूर से एक आपका जो ये शौक जो मैं करा रहा हूँ, बहुत ही दूर से आया हुआ जोड़ा। और भाई दिल्ली के अंदर का माल लेंगे आज को, आप जो भी आज देखोगे आप बाहर का देखोगे और रिजल्टेड पेयर देखोगे। एक और जोड़ा आ गया लेकर आ रहा भाई शौक करा। लो जी सेकंड जोड़ा ही आपका फाड़ू आ गया भाई टटीरों का। आजकल बहुत डिमांड है इनकी, बहुत डिमांड है। कहाँ से आया भाई ये जोड़ा? ये अच्छा बिल्लू उस्ताद नागलोई वाले, उनके घर का पट्टा है, घर का बच्चा। अच्छा, मादिन हमारी मद्रास से, ये मादिन मद्रास से भाई। गुलाबी डोरों में मादिन है भाई, देख लो बहुत ही खूबसूरत। और करीब से दिखाऊंगा इनको आंखें और पलके, नली भरी। तो ठीक है भाई, क्या अभी नया लगा शायद जोड़ा है सचिन भाई? ये जोड़ा नया है, अभी इसका रिजल्ट बताएंगे। बाकी मादिन हमारे दूसरे नर से लगी, देख लो जी नर मर गया है, तो बच्चा उसका पास था भाई। वाह गजब का जोड़ा भाई, मजा आ गया। टटीरे ही आजकल बहुत डिमांड में है। तो नोनू भाई आपने ये पहला जोड़ा अभी स्टार्ट किया, लगाया इसका बच्चा मिलेगा अभी? हाँ मिलेगा, मादिन का रिजल्ट तो हमारे पास है। अच्छा, मादिन का रिजल्ट बहुत अच्छा। तो वो साथ वाला नर भी बहुत तगड़ा है। हाँ, तो वो तो पहले नर से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, नर की आंखें दिखाता है, देख लो भाई गादली आंखों में, गोगली कह लो, गादली जिसको भाई जिस भाषा में ये आंखें समझ में आती हो वो आंखें हैं। क्योंकि मैं एक्चुअली पूरा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी लेयर दिख रही है ब्लैक के बाद, वो हल्की हल्की ग्रीन है, ऑरेंज है और ब्लैक है। और कलर का बहुत खूबसूरत कबूतर है, इसके पर भी दिखाऊंगा मैं आपको। इन्होंने कार्ड बेशक रखे हैं, लेकिन इसकी लंबाई, बिलुस्ताद कहते हैं कि जब तक कबूतर की खूबसूरती मत देखो, उसके पर और वजूद पे सारा डिपेंड होता है। ये देख लो भाई इसके पंजे और ये दुम तक, ओए भाई वाइट लंगोट का जी, बहुत ही खूबसूरत। ये सामने से फ्रंट और खोखार चेहरा, मैं दिखाता हूँ एक बार इसका फेस कट बना के, ये देखो भाई बहुत ही तगड़े लेवल पर चेहरा है जी इसका। ठीक है जी, इसकी मादिन भी दिखाते हैं आप भाई। इसकी भी क्वालिटी है यार, इसकी भी आंखों में भर भर के क्वालिटी है, जर्रेदार। ये देखो जी, और येल्लो डोरे की, डोरों की मादिन है, ये देख लो आप। और ऐसे टटीरे, ब्लैक टटीरे और पर है, इसके पर दिखाता हूँ आपको। ये देखो पर की क्वालिटी देखो भाई। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना सचिन भाई, बहुत ही बड़े लेवल पे है खिलाड़ी। ये देख लो भाई इसके पंजे और दिखा दो, असली बात इसकी है देखो, सफ़ेद लंगोट। हाँ। और नली भरी मादिन है, पंजे खोलो जरा सा, ये देखो भाई
आपको और करीब से दिखाता हूँ भाई। वाह मजा आ गया सचिन भाई, इसको जब भी रिजल्ट आएगा एक बार मुझे फ़ोन जरूर कर देना। हाँ ये पूरा बदन देखा, एक बार फेस कट दिखाओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ ये देखो भाई क्या ही कबूतरी है यार, मज़ा आ गया। ठीक है भाई तो आते हैं नेक्स्ट फेयर पे। ये लो जी तीसरा जोड़ा, और इस जोड़े का जो हिसाब किताब आपको आज सुनने को मिलेगा दिल खुश कर देगा हमारा नोनू भाई। क्या हिस्ट्री है भाई इसकी, लो इस नर की जो हिस्ट्री है। मादिन दे दो सचिन भाई को, हमने इसलिए ड्यूटी पर रखा है आज। इसके बच्चे उठते ही 2-3 दिन ही घर बैठेंगे, फिर तीसरे दिन 3-3, 4-4 घंटे गायब। अच्छा और बहुत बच्चे खोए इसके बच्चों ने, बहुत बच्चे पंजाबी मद्रासी जो चला गया साथ में तो चला गया। अच्छा वो आता नहीं। तो ये कितना पुराना अपने पास? ये इसको हो गए 7 साल हो गए। चलो इसकी आंखों का शौक कराते हैं, ऐसे आ जाओ जरा सा। हाँ इधर से ये देख लो भाई, कबूतर वाकई बहुत खूबसूरत है, आंखें भी बहुत ही लाजवाब है, इसकी गोगली सी है ना, मतलब और करीब लेके चलते हैं, हमारे व्यूवर्स खुद पता कर लेंगे क्या है ये आंखें, और कमेंट्स में बताना भाई किसी को समझ में आ रही हो ये आंखें। ये देख लो इसकी रिंग रेयर लेयर तक दिख गई भाई। तो आते हैं इसके परों पे, पर हैं इसके, ये देख लो भाई पर, बहुत ही खूबसूरत कलर है भाई खैरा। और पंजे देखो भाई, सुरख ब्लू नीले लाल जो आपको दिख रहे हैं, और इसकी खासियत ये भी है, ये देखो ये देखो बिल्कुल नुकीले और चांद नुमा जिसे लोग पहचानते हैं भाई, अच्छा कबूतर है। इसकी मादिन दिखा देते हैं, ये आ गई जी मादिन। मादिन थोड़ी एंटीकाइज है, ये देख लो भाई कमाल कर दिया आज नोनू भाई, दिल खुश कर रहे हो आप, बहुत ही अच्छी कलेक्शन के साथ आप कबूतरबाजी कर रहे हो। और ये देख लो भाई ये नफ्ती खैरी मादिन है, ये इसके भी पर देख लेते हैं, ये देखो ये पर खोल दिए भाई ने, आह पंजे दिखा दो इसके, ये देख लो पंजे से, पंजे की क्वालिटी देखो आप। ठीक है जी सब चीज़ कोशिश करूँगा कवर करने की आज, और आते हैं नेक्स्ट पेयर पे। ये लो भाई दोबारा से लाल जीरे, ये जोड़ आ गई लाल जीरों की, ये सामने से नर जो है ना खुखार वाला ड्रैगन फेस, मादिन भी ऐसी है, तो पहले नर का शौक कराता हूँ आपको भाई। ये देखो आप चेहरा और आँखें देख रहे हो, कमाल की आँखें यार, कोशिश और अंदर ले जाता हूँ आपको आगे भाई, फेस बनाना है इसका ऐसे, नखरे कर रहा है पीली डोरों में, ये देखो भाई आप आँख, और सूरज भगवान भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं भाई, निकल जाते हैं टाइम पे जब आँखों का शौक हो रहा होता है, ये देखो वही वाह। तो भाई इसका रिजल्ट तो इनको पता है, लेकिन ये नया पेयर बनाया है सचिन भाई। हाँ जी ये नया पेयर है हमारा, ये देख लो भाई जीरा है, ये लाल जीरो में से आता है, और बहुत ही अच्छी कटकाठी का कबूतर है भाई, बहुत ही अच्छी ये पंजे इसके, ये हमारे पंजे की क्वालिटी सारी अच्छी है भाई। हमारे किसी जानकार के घर का कबूतर है, मई में उसके पास कूड़ा हुआ है, शाम 5-5, 6-6 बजे उतरा हुआ है। चलो आप मादिन दिखाओ आपका फेस, और भाई ये आ गई है मादिन, मादिन की भी आंखों में घुस चलते हैं भाई, हम सब शौकीन हैं, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो भी मेरे प्यारे भाई हैं जो मेरे साथ देते हैं, मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, उनके शौक के लिए मैं भाई जहाँ से कॉल आती है वहाँ जाने को तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक शौक के लिए वो भाई मेरा चैनल पे इंतज़ार करते हैं कि कब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई उनका तहे दिल से, कि वो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं। और ये देख लो भाई लाल जीरी मादिन बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसको और करीब से पर काट रखे हैं भाई ने, पंजे दिखाओ आप, ये देखो जिसके पंजे भाई वाह। तो एक हमारे व्यूवर्स हैं सबरजीत भाई, दिल्ली के एंड से हैं, ये समझ लो भाई वो तो हर वीडियो को वॉच करते हैं, और उनको भी मैं अपनी तरफ से थैंक्स कहता हूँ। ये देख लो भाई मादिन, अब आते हैं नेक्स्ट फेयर पे भाई, ये देख लो तोते टाइप का हरिया भाई, वाह मादिन भी गजब की, नर भी गजब का, पहले नर ही दिखाएंगे भी, देख लो भाइयों आंखें पलके चेहरा नाकड़े पकौड़े जो आपको समझ में आ रहा है देख लो, शौक बहुत ही अच्छे लेवल पर हो रहा है आज। तो ये आ गया भाई, फिर से दिखा रहा हूँ आपको एक बार, नोनू भाई आप बनाओ फेस कट, इसकी आंखों में चलते हैं, तो हाँ बस सही है भाई, वाह हज़ारों रंग है जी, हज़ारों हज़ारों कलर है इसके अंदर,
ठीक है जी, तो इसके पंजे देखेंगे अब। दिखाना भाई, नोनो भाई इसके पंजे दिखा दो आप, और एक ही क्वालिटी के पंजे भाई सारे देख लो आप। बहुत बढ़िया बात है इसकी मादिन पे, और मादिन भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भाई, बिल्कुल नर जैसी है, आंखें भी वैसे ही ले रही है। ये गोगली आंखों में आते हैं, ये एंटिक आंखों में आते हैं मेरे व्यूवर्स बताएं, ठीक है जी। काली चोच इसकी, और पलके भी बहुत ही खूबसूरत है इसकी, वाइट हल्की येल्लो पीले रंग में। और इसके आपको पंजे दिखाता हूँ मैं, जी देखो पंजे, वही वाह कमाल है नोनू भाई, क्या रिजल्ट है भाई इसका, कुछ बताओ जरा इस बारे में, क्योंकि ये जोड़ा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इस जोड़े का जो रिजल्ट है, बच्चा निकल गया तो वो एक दो बार थोड़ा बहुत उड़ के अगर बैठ गया ना, वो उसी टाइम अपनी उड़ान बढ़ा देता है, मतलब एक दो फड़कों में ही उड़ना चालू हो जाता है। अभी बच्चा निकला था अभी हफ्ता भर पहले, अभी जोड़ों से ही निकला, जाल पे बैठा, दो बार उठ के बैठा, तीसरी बार रात ही रह गया आया, फिर वो अगले दिन आया, अगले दिन नजर के इतने पक्के हैं, जहाँ से हो गया वापसी आना। नहीं तो फिर उस्ताद लेवल की भी तो छत है ऐसे कबूतर थोड़ी ना बने। ये सब रवि उस्ताद की, हमारे और मोहन भाई साहब की, और हमारे सुनील उस्ताद की मेहनत है। हाँ तो दिखाते हैं भाई इसकी मादिन, सॉरी नया पेयर, एक तो दिखा दिया नया पेयर, और एक ये भाई नफ्ते जीरो का जोड़ा देख लो आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तगड़े लेवल के लग रहे भाई, कसब उन भाई, मज़ा आ गया इनको देख के। पहले दिखाते हैं इसमें नर भाई, ये नर की आंखों की शुरुआत कर दी हमने, और ये देख लो इसकी रिंग लेयर, और इसकी आंखों का समंदर देख लो आप। सचिन भाई कह रहे थे कुछ इसके बारे में, हिस्ट्री क्रिएटर है ये, इसकी हिस्ट्री ये है, ये मैं जब रवि उस्ताद जी से पहली बार मिला था ना 2014-13 में, अच्छा, तो हमारे मोहन भाई साहब हैं, मोहन अक्कड़ जी लेडी हार्डिंग से, वो ये कबूतर मद्रास से लाए थे, और उन्होंने ये जोड़ा बना के मेरे को दिया था। इसकी मादिन मर गई, फिर हमने इसकी मादिन ये सफ़ेदीरी डाली इसका, और इनके बच्चों का रिजल्ट ऐसा है भाई कि इसके साथ आप कोई भी मादिन लगा दो, इस नर के साथ, इस नर के साथ जिसका भी हमने शौक कराया। हाँ ये जीरे, इस नफ्ते जीरे का बच्चा शाम ही बैठेगा आपके घर, और घर का पक्का, घर का पक्का। अच्छा तो भाई एक चीज़ और जानना चाहेंगे सचिन भाई इसी गुफ्तगू में, कि अपने इस कबूतर के जो बच्चे उड़ाए हैं जी, और जो रिजल्ट आप हो मुझे बता रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कह रहे हैं और वो बात बाद में फीकी निकले? नहीं कोई फीकी नहीं निकले, आप बच्चे आप साथ बच्चे भी दिखाएंगे, और इस सीजन में भी इसके बच्चे उड़ेंगे। आगे का सवाल ये था कि जैसे हमारे भाई इस बात को सुनते हैं और वो यकीन भी करते हैं मेरी वीडियो पे, तो बच्चे अवेलेबल हो जाएंगे अगर कोई खरीदना चाहे तो? अभी इस सीजन में तो हम नहीं दे पाएंगे किसी को बच्चे के लिए। हाँ इस सीजन में हम किसी को बच्चे, अगर हमारे से कोई मई के बाद कांटेक्ट करेगा, हाँ, तो हम बच्चे प्रोवाइड करा, तो भाई मिल सकते हैं, क्योंकि उड़ान बहुत तगड़ी है, अच्छे लेवल की है, और इस बात को पुख्ता करने के लिए मैंने सवाल पूछा था कि भाई ऐसा तो नहीं बात फीकी निकल जाएगी, तो आप इस बात को हाजिर करने के लिए पट्टे ले सकते हो। अनिल भाई मेरे को तो शायद कोई जाने ना जाने, पर मोहन भाई साहब, मोहन अक्कड़ जी हमारे लेडी हार्डिंग वाले, उनको पूरी दिल्ली का ऑल ओवर इंडिया जानती है। बहुत बढ़िया, और उनके जो कबूतरों की परख है और जो उनके कबूतर का रिजल्ट है वो दुनिया जानती है भाई, और उन्होंने बहुत अच्छे इनाम मारे हुए हैं। चलो उनके घर का कबूतर, चलो मादिन दिखाते हैं इसकी। तो भाई आप हमारे जितने व्यूअर से अच्छी नस्ल चाहिए तो सचिन भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं मई के बाद। बिल्कुल, और ये भाई मादिन देख लो, हल्का सा डाउन फेस है इसका, छोटा लेकिन डाउन फेस, और बड़ी पलके सिंदूरियाँ के, और लेयर भी दिख रही होगी आपको, सर्कल दिख रहा होगा भाई मेरे को। जो आप लोग कमेंट्स करते हो ना, मैं सबको जवाब देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स अभी बहुत कम आ रही है, तो सबको जवाब दे देता हूँ। कमेंट्स बढ़ा दो, शेयर बढ़ा दो, और सब्सक्राइब बढ़ा दो भाई। जो नए मेरे चैनल पे आते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार करता हूँ कि भाई वो आते हैं देखते हैं और देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। 10-10 हज़ार व्यूज़ आ रही है, 6-6 हज़ार व्यूज़ आ रही है, लेकिन सब्सक्राइबर 2 या 4 ही। लेकिन मैं उन 4 का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो 4 ऐसे होते हैं जो वीडियो देखना पसंद करते हैं। और ये मादिन आ गई, इसका पर देख लो आप, चार चार पर काले हैं, और इसके पंजे दिखा दो भाई, ये इसके पंजे। हाँ भाई सचिन भाई उसके पंजे ज़रूर दिखाना, वो जो नर आपके हाथ में, तो भाई नर के मैं जो पंजे दिखाना भूल गया था वो आप देख लो, ये देख लो पंजे की क्वालिटी, भाई वाह मज़ा आ गया यार भाई। नफ्ते चीनों का जोड़ा देख लो, हाँ एक नया नाम मिला है आंखों के लिए मुझे। इस नर का तो इतिहास ही है, ये रवि उस्ताद ने हमारे को बच्चा दिया था 2015 में। अच्छा ये बच्चा हमने उड़ाया भी है, ये मादिन है, ये मादिन है, ये नर है, ये रवि उस्ताद ने हमें पट्टा दिया था, ये नर है भाई वाह। 2015 में पट्टा दिया था, हमने उड़ाया, उड़ाने के बाद ये जोड़ों में डाल रखा है। चलो फिर इनकी आंखों, तो भाई आज एक नया नाम मिला आंखों के लिए, तंबाकू की कलर की आंख,
हमारे सचिन भाई ने बताया अभी। वाकई भाई उसी उसी डार्कनेस की तरह जैसे हमारा तंबाकू मलने के बाद हो जाता है, ये देख लो। और ड्रैगन फेस है भाई, ये मज़ा आ गया भाई। आँखों के साथ उड़ान, उड़ान के साथ वजूद और पर, मतलब हर बात की क्वालिटी आज इस छत पे आपको देखने को मिल रही है। और अच्छी छत तो मैं कोशिश करता ही हूँ कवर करने की, लेकिन बहुत अच्छी छतें और रह गई हैं और अच्छा शौक कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा मैं अपने चाहने वालों को। ये देख लो भाई इसके पंजे, इसकी मादिन दिखाते हैं। ये आ गई भाई उसकी मादिन, वाह बड़ी आँख है इसकी, काफ़ी दोरे भी नरों जैसे, ठीक है। ये देख लो और इसके पंजे देखते हैं, पंजे पंजे पंजे। और इस मादिन के साथ आप ये पंजे देखो कितने डार्क हैं इसके, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। लाते हैं नेक्स्ट पेयर, इन नफ्ते, अरे गज़ब के नफ्ते हैं भाई। और सारी क्वालिटी आँखों में और पलकों में और बदन में है भाई। नोनू भाई मज़ा आ गया, आप ऐसे भी दिखा दो भाई, वाह ये देखो पूरा वजूद भाई, वाह मज़ा आ गया यार। चलो स्टार्ट करते हैं, नर से नर बहुत खूबसूरत है इसमें। तो भाई ये देख लो नर की आँखें। और भाई ये कहाँ से आया था अपने पास? ये भाई रवि बाबू जी हैं अपने, उनके घर का बच्चा है। 2015 में पट्ठा आया था, हमारे पास जो एक्सपायर हो चुके हैं हमारे उस्ताद, मेन उस्ताद तो वही थे, और मौजूदा उस्ताद हमारे सुनील उस्ताद हैं। हाँ उनका तो भाई अभी प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लेवल पे कराया था उन्होंने। ये देख लो आँखें भाई, वाह मज़ा आ गया भाई देख के। इनके रिजल्ट हैं हमारे पास, बच्चे ऐसा नहीं कि। ये लो भाई आ जाओ मादिन लेके आ जाओ, सचिन भाई आप ही आ जाओ। क्वालिटी दिखाई किन्नर की, ऐसे ऐसे दिखाओ क्वालिटी। ये देखो बंद बंद कबूतर है ये। स्टार्ट करो आप। इससे पहले जो पेड़ दिखाया था उस पेड़ की पट्टी है और नर हमने बताई दिया, वो रवि उस्ताद जी हमारे जो थे स्वर्गीय रवि उस्ताद जी, उनके घर का पट्टा था वो। ये भाई बताना ये फीमेल बहुत तगड़ी लगी मुझे अपनी पर्सनल, अब तक मैं जो शौक कर रहा हूँ उनमें बहुत ही अच्छी। ये हमारे पास उड़ी हुई मादिन है, ये देख लो भाई, वाह मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया। पंजे दिखा दो इसके, और बंदुम की कबूतरी है जी, कबूतरी की धुन देख लो भाई, बिल्कुल बंदुम की, कोई उंगली पुंगली नहीं लगा रखी है देख लो आप, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट पेयर पे भाई, ड्रैगन कलसरा देखो, ड्रैगन वही वाह, चमक देख रहे हो आँखों में, यहाँ तक दिख रही है मैं काफ़ी दूर उस कैमरे से, मतलब इन परिंदों से, वही वाह छुपा के रखा हुआ था यार आपने, ऐसे देखो फ्रंट से ये, वही वाह। पहले नर का ही शौक कराता हूँ आपको भाई, ये देख लो जी क्या कबूतर है यार। चलो इसका फेस कट नोनू भाई मैं बनाता हूँ, ये देख लो भाई कबूतर है यार, कलसरा कबूतर है, ये देख लो सामने से। और रिजल्ट तो भाई इनका खूखार है, क्योंकि डायरेक्ट मद्रास से इन्होंने इसको बुलाया अपने घर तक। कलसरा ही बच्चे बनते हैं जोड़े, इस जोड़े के कलसरा ही बच्चे बनते हैं। हाँ तो नर में क्वालिटी अच्छी है ना, ये देख लो भाई मादिन वाले बच्चे हैं ये, नहीं है भाई ये फुलसरी मादिन, ये अपने ही घर की है, ये हमारे बिल्लू उस्ताद है नांगलोई वाले, उनके घर की पट्टी है, उन्होंने हमें ये गिफ्ट की थी, ये आकाश पोखरी के घर से आई थी पट्टी, वहाँ से उनके वहाँ उड़ी हुई है, उन्होंने मेरे को जोड़ों के लिए दी थी गिफ्ट। देख लो भाई हमारे बिल्लू उस्ताद बहुत ही अच्छे लेवल पे इस मामले में, तो बहुत बड़े दानवीर है यार वो, बहुत अच्छे इंसान है और हमारा उनसे भाई प्रेम बहुत अच्छा है भाई। ये देख लो भाई मादिन के पंजे दिखा दो, पर भी देखो पर है इसके, ये लो शाबाश। सचिन भाई से बातों बातों में आप ये बताओ कि क्या होनी चाहिए एक अच्छे कबूतर की पहचान और उसकी क्वालिटी? भाई देखो कोई लोग आंखें देखते हैं, कोई लोग कुछ देखते हैं, मैं कहता हूँ कबूतर की सॉफ्टनेस, और जो अच्छा कबूतर होता है उसको पकड़ने की जरूरत नहीं होती भाई, वो वैसे समझ में दूर से ही बता देता है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। चलो सपोज करो कि मुझे कबूतरबाजी का पर नहीं पता, तो मुझे अच्छा कबूतर कैसे पता चलेगा, क्या क्या देखूँ आ जाकर कि किसी के पास गया? भाई जो हमारे उस्ताद रवि जी ने हमारे को सिखाया कि कबूतर की वाइब्रेशन, जो ये परों की वाइब्रेशन सबसे पहली बात, दूसरा उस कबूतर के पर, बगली के पर और आठवां नौवां दसवां कुंडा, ठीक है जी, सबसे मेन तो यही होता है क्योंकि उड़ना तो उसने परों से ही है, और बाकी खिलाड़ी पे डिपेंड करता है वो कैसे उड़ा, वो क्या देख रहा है, वो चलो क्या तो देख बहुत क्या उड़ा रहा है भाई। इस मैसेज को जरूर मेरे व्यूवर्स पूरी वीडियो देखेंगे तो जरूर मिलेगा अच्छे कबूतर की पहचान क्या करना चाहिए। जोड़े का शौक कराते हैं अभी, लाओ लाओ। लो जी ये जो मकोए हैं ये बताए नहीं जाएंगे, इससे सुनाए जाएंगे हमारी नज़रों से और हमारी जुबान से।
बहुत ही सिलेक्टेड जोड़ा है और इस मकोए के ना नाम ये भी हमारे रवि उस्ताद जी के यहाँ से आए हैं और नाम काम इन्होंने बहुत तगड़े लेवल पे किया हुआ है। सचिन भाई का और नोनू भाई का जो नाम हुआ है वो इन मकोए से बहुत अच्छा हो गया। ये देख लो, मैं नर दिखाता हूँ आपको पहले। ये देख लो भाई, रवि उस्ताद की घर की नस्लें बहुत सारे थे रवि उस्ताद पे ना, ऐसे कई कबूतर थे जो कुछ कबूतर उधर फेमस हुए, कुछ कबूतर कहीं फेमस हुए। ये देखो भाई, मज़ा आ रहा होगा भाइयों, इसी शौक के लिए मैं आपको यहाँ तक लेकर आता हूँ। जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरे व्यूवर्स पहुँच जाएंगे, बस अपने फ़ोन को क्लिक करना है, खोलना है और नोटिफिकेशन को टच करके इस वीडियो को देखना है। तो मादिन देखते हैं भाई, इसकी पंजे दिखा दो, भूल जाता हूँ बार बार यार। ये लो पंजे देखो भाई, भाई वाह भाई, बड़ा ही अच्छा चेहरा भाई इस मादिन का, बहुत ही अच्छा चेहरा है। तो भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं फिर सचिन भाई के घर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे जोड़े हैं और सारे सिलेक्टेड हैं, तो जोड़े ही जोड़े दिखाऊंगा मैं आपको और उड़ने वालों का भी कभी ना कभी आपको दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे इसी वीडियो में, इन्हीं की छत की वीडियो में। इसके पंजे दिखा दो, ठीक है जी। तो भाइयों बताना शौक कैसा लगा हमारे भाई का, और एक और पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ऐसे जोड़े हैं जो मैं खुद नहीं छोड़ पा रहा हूँ कि भाई दिखाना ही है तो दिखाना ही है। तो और एक 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाऊँगा सचिन भाई के घर जाके, ठीक है। तो मिलते हैं दोबारा इन्हीं की वीडियो में, इन्हीं के कबूतरों के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, और धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो।